लिखो। हेडिंग दो, रैंडम नंबर सिमुलेशंस। सो बेसिकली होता क्या है, अगर मैं आपको इसको ना, हम लोग मोंटे कार्लो सिमुलेशन भी बोलते हैं, तो होता क्या है कि फॉर एग्जांपल एक डिस्ट्रीब्यूशन है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन या पॉइजन या एक्सपोनेंशियल या गामा वट एवर, उसमें से लेट्स सपोज मैं बोल रही हूं कि एक्स फॉलोज नॉर्मल 5, 6, 10 वट एवर, तो उसमें से मुझे रैंडमली नंबर्स बताओ जो ये डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करता है, ठीक है। वो उस प्रोसेस को हम लोग रैंडम नंबर सिमुलेशन, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, आप रैंडमली नंबर्स निकाल रहे हो फ्रॉम अ गिवन डिस्ट्रीब्यूशन, दैट इज व्हाट इज सिम्युलेशन, ठीक है। सिम्युलेशन हम लोग बोलते हैं ना, सिम्युलेटेड एनवायरनमेंट में ये मॉडल को हमने रन किया, ये सब आप लोग कभी न्यूज सुनते होगे, तो कुछ कुछ चीजें होती है तो उन लोग बोलते हैं इन द सिम्युलेटेड एनवायरनमेंट, जैसे पायलट्स होते हैं वो पहले प्रैक्टिस करते हैं तो दे हैव अ सिम्युलेटेड एनवायरनमेंट, वो छोटे उनके एयरप्लेन्स होते हैं जहां पे वो प्रैक्टिस करते हैं, प्रॉपर सिम्युलेशन। जैसे आप लोग जब 7D 5D वो सब देखते हो तो वो चेयर हिलता है ना, वॉट इज दैट सिम्युलेटेड एनवायरमेंट, मतलब सिम्युलेशन मतलब क्या, कि आपको एक तरीके से जब हम बोल रहे हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन आपको गिवन है उसमें से आप रैंडमली नंबर्स एक्सट्रैक्ट करो, गॉट इट, दैट इज योर रैंडम नंबर सिमुलेशन। एंड व्हेन आई एम डूइंग अ सिमुलेशन इन आर प्रोग्रामिंग, व्हेन यू आर डूइंग सिमुलेशन इन आर प्रोग्रामिंग, बोथ ऑफ आवर आंसर्स कैन बी डिफरेंट बिकॉज अगेन इट्स रैंडम, राइट। बट आर में एक फीचर होता है सीड वैल्यू सेट करने का, अगर वो हम सेम सीड वैल्यू सेट कर देते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट होता है वो सेट कर देते हैं, तो हमारे आंसर्स फिर सेम आते हैं, राइट। तो यहां पे रैंडम नंबर सिमुलेशन का क्या मेथड होता है, इस मेथड को हम लोग बोलते हैं इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन मेथड। लिख लो, पहले हम लोग कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए करेंगे फिर डिस्क्रीट के लिए करेंगे। तो कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम लोग करते हैं इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन मेथड, ठीक है, इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन मेथड। अब इसमें ना कुछ कुछ स्टेप्स होते हैं, ये टू स्टेप एल्गोरिदम होता है बेसिकली, इसको एल्गोरिदम बोलते हैं, तो लिख लो इट्स अ टू स्टेप एल्गोरिदम विच इज यूज्ड टू जेनरेट रैंडम वैल्यू एक्स फ्रॉम अ कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन विथ CDF कैपिटल एफ एक्स। ठीक है, फर्स्ट स्टेप होता है जेनरेट अ रैंडम नंबर स्मॉल u फ्रॉम यूनिफॉर्म 0, 1, जेनरेट अ रैंडम नंबर स्मॉल u फ्रॉम यूनिफॉर्म 0, 1, एंड दूसरा स्टेप होता है x equals f इनवर्स u। समझो होता क्या है, ठीक है, बैक एंड समझते हैं। तो इसमें फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चंस आते हैं कि मैं बोल रही हूं कि 5 रैंडम नंबर्स निकालो फ्रॉम नॉर्मल 5, 10 डिस्ट्रीब्यूशन। अब हमें पता है कि हमारा जो कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन है उसका जो हमारा CDF होगा विल ऑलवेज बी बिटवीन 0 and 1, बट दिस इज नॉट ट्रू फॉर द PDF, ये हमने देखा था, याद करो, फॉर एग्जाम्पल यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन 0.5 है,
तो इसका पीडीएफ याद है क्या होता था? कंटिन्यूस यूनिफॉर्म का टेबल बुक खोलो, क्या होता था? स्टार्टिंग में एकदम पीडीएफ ऑफ अ कंटिन्यूस यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, एकदम स्टार्टिंग में, कहाँ देख रही हो? हाँ स्टार्टिंग में एकदम जाओ, जब सारे डिस्ट्रीब्यूशन है जहां पे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, हम लोग का स्टार्टिंग फर्स्ट चैप्टर कंटिन्यूस यूनिफॉर्म क्या है? पीडीएफ बोलो, वन बाय विच इज टू. तो योर पीडीएफ शुड नॉट बी ऑलवेज जीरो एंड वन, बट योर सीडीएफ हैज टू बी ऑलवेज, क्योंकि सीडीएफ का मीनिंग क्या है? प्रोबेबिलिटी एक्स लेस देन इक्वल टू एक्स ऑलवेज हैज टू बी बिटवीन जीरो एंड वन. तो हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग को, क्योंकि हम लोग को एक वैल्यू एक्स निकालना है विच विल बी फ्रॉम अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, फ्रॉम अ पर्टिक्युलर क्लास ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, तो उस डिस्ट्रीब्यूशन का सीडीएफ जीरो एंड वन के बीच में होगा. तो हम लोग बोल रहे हैं सिम्युलेट अ वैल्यू यू, स्मॉल यू, विच विल बी बिटवीन जीरो एंड वन. बेसिकली इट्स फ्रॉम यूनिफॉर्म जीरो कॉमा वन. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड यूनिफॉर्म जीरो कॉमा वन? इट्स अ कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन वेयर वैल्यूज आर बिटवीन जीरो एंड वन एंड इट्स इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, क्योंकि यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का हमने वही पढ़ा है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है. तो आप एक रैंडमली नंबर यू निकाल रहे हो एकदम रैंडमली फ्रॉम जीरो एंड वन. अगेन थ्योरी में रैंडम नंबर सिमुलेशन हम नहीं कर सकते. अगर आपको यू गिवन है तो आप कर सकते हो, यू आप अपने नहीं तो मन से लोगे. आप जनरली एक्सेल एंड आर में करते हो, जहां पे ये जो यू है वो मशीन, आर प्रोग्रामिंग या एक्सेल आपको रैंडमली खुद से कैलकुलेट करके देता है. तो यू इज एनी रैंडम नंबर बिटवीन यूनिफॉर्म जीरो एंड वन. वंस यू हैव दिस यू विथ यू, कैन यू से दैट, लिखने का जरूरत नहीं, रुक जाओ, कैन यू से दैट दिस इज इक्वल टू यू? बिकॉज हम लोग क्या करें, हम लोग इसको एक प्रोबेबिलिटी से इक्वेट करें, एंड दिस प्रोबेबिलिटी यू इज बिटवीन जीरो एंड वन एकदम. अब इसको जब इक्वेट कर दिया, आपका इसका एक इक्वेशन आएगा, दैट विल बी इन टर्म्स ऑफ एक्स, उसको आप यू से करोगे, एंड उसके बाद आप इनवर्स ट्रांसफॉर्म, मतलब एक्स के टर्म्स में आप एक फंक्शन एक्स इक्वल्स टू यू के टर्म्स में फंक्शन लिख सकते हो, येस और नो? तो इसीलिए ये जो फंक्शन आ रहा है इसको हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं. ये पूरा सिनॉप्सिस था, ये लिखना है लिख लो, नॉट रिक्वायर्ड. इसका हम लोग एक सम करेंगे तो उससे आपको ये पूरा चीज क्लियर हो जाएगा, ठीक है? क्वेश्चन लिखो, जेनरेट फाइव रैंडम नंबर्स. नहीं, फाइव को थ्री कर दो, फाइव नहीं करना, उतना मेहनत नहीं करना. जेनरेट थ्री रैंडम नंबर्स फ्रॉम एक्सपोनेंशियल 0.1 डिस्ट्रीब्यूशन यूजिंग वैल्यूज U2 equals and U3 equals 0.003. तो बेसिकली अगेन मैंने क्या बोला, ये जो रैंडम नंबर U है ये क्या है? इट इज फ्रॉम यूनिफॉर्म 0.1, एनी नंबर बिटवीन 0 एंड 1 बेसिकली. तो वो कुछ भी आप ले सकते हो, कुछ भी, मतलब कहीं से भी कुछ भी निकाल के आप ले सकते हो. बट द थिंग इज कि अब एक बार मैं कोई कैलकुलेटर ना, बट द थिंग इज कि आप लोग थ्योरी में कैसे अपने मन से कैसे निकालोगे? तो आपको या तो गिवन रहता है थ्योरी में, या आप आर प्रोग्रामिंग जब यूज करते हो तो आप उसमें खुद से निकाल सकते हो, ठीक है? तो यहां पे अब इसका स्टेप नंबर वन जो होता है वो ऑलरेडी गिवन है, ठीक है? स्टेप नंबर वन फाइंड यू फ्रॉम यूनिफॉर्म 0.1, ये ऑलरेडी आपका गिवन है. जो आपका स्टेप नंबर टू होना चाहिए वो होना चाहिए एफ इनवर्स यू इक्वल्स एक्स करने का, राइट? बट लेट्स से सपोज ये आप लोग को नहीं पता एफ इनवर्स यू क्या होगा, तो आप लोग क्या कर रहे हो? आप लोग को ये पता है एफ एक्स क्या होगा फ्रॉम ऑफ एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा? बोलो,
1 minus e to the power lambda x, where lambda for us is what? 0.1x. Yes or no? अब हमने क्या लिखा है कि आप इक्वेट कर रहे हो किसको? आप यहां पे बेसिकली इक्वेट करना चाह रहे हो एफ एक्स को यू से, एंड तभी आप उसको इन्वर्स करके लिख रहे हो. बोलो क्या डाउट है? सो बेसिकली 1 माइनस ई टू द पावर माइनस 0.1x इक्वल्स यू. तो एक बार यू के टर्म्स में बताओ तो क्या आएगा? 1 माइनस यू इक्वल्स ई टू द पावर माइनस 0.1x. लॉग ले लेंगे तो x इक्वल्स एल एन 1 माइनस यू डिवाइडेड बाय x. ये होगा डिवाइडेड बाय 0.1. योगा. देयरफॉर कैन यू से दैट f इनवर्स u इज माइनस एल एन 1 माइनस यू बाय 0.1. एंड इसको आपको इक्वेट करना है टू गेट x. ठीक है. नाउ यू जस्ट पुट इन द वैल्यूज. जब आपका u1 0.113 है तो f इनवर्स u1 मतलब माइनस एल एन 1 माइनस 0.113 डिवाइडेड बाय 0.1 क्या आएगा? x का वैल्यू ना, ये x का वैल्यू ही तो है. x1 लिख दो फर्स्ट रैंडम नंबर. क्या आ रहा है? करो उसको. वन पॉइंट ग्यारह. दिस इज योर फर्स्ट रैंडम नंबर. सिमिलरली यू टू यूज करके आपका सेकेंड रैंडम नंबर आ जाएगा एंड यू थ्री यूज करके आपका थर्ड रैंडम नंबर आ जाएगा. दिस इज नथिंग बट एफ इनवर्स यू टू, दिस इज एफ इनवर्स यू थ्री. वट सो basically when I write f inverse u1, it's basically a function in terms of u1, right? It's a function in terms of inverse. क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आप fx लिखते हो ना, fx equals to u2, तो inverse transformation basically इसी part को inverse transformation method बोलते हैं. ये जो आपका ये वाला part है ना, इसको ही आप inverse transformation method बोलते हो. एक बार सबका answers मेरे को बता दो करके solve. F इनवर्स U निकल जाएगा तो इजीली. वेरी गुड. 9.3649 और ये वाला है 0.03005. वेरी गुड. अब इसको अगर मैं एक बार डायग्रामेटिकली आपको क्विकली समझा देती हूं, इसका बताए क्या मीनिंग है. याद है आपने इसका प्लॉट बनाया था. अब एक्चुअल में आप जब x लेते हो और ये, तो एफ एक्स का वैल्यूज कहां से कहां जाता है? जीरो से वन तक ही जाता है. लेट्स सपोज एक डिस्ट्रीब्यूशन है जो कुछ ऐसा है, ठीक है, जिसका एफ एक्स का कर्व ऐसा जा रहा है. हो सकता है कोई एक डिस्ट्रीब्यूशन है. तो ये आपका क्या हो गया? ये पूरा आपका वो वन वाला लाइन हो गया. ये मेरा एकदम उस पर टच नहीं हो रहा है, बट ठीक है, ऐसा कुछ. ठीक है. तो अगर अब मैं बोलूं कि आपको एक वैल्यू x का गिवन है, तो क्या आप इस फंक्शन से, जो आपका ये फंक्शन है fx, ये जो आपका फंक्शन fx है, इसमें आप डाल के, मतलब x का वैल्यू डाल के, क्या आप मेरे को आंसर बता सकते हैं fx का? बता सकते हैं. अगर मैं बोलूं कि एफ एक्स एक फंक्शन है, उसमें आप एक्स का वैल्यू डालोगे तो एफ एक्स का आंसर आ जाएगा, एक वैल्यू, एक नंबर आ जाएगा. सिमिलरली इफ आई टेल यू कि मैं आपको एफ एक्स का वैल्यू बता रही हूं, ठीक है, मैं आपको एक
fx का वैल्यू बता रही हूं, ये वाला, आप मेरे को x निकाल के बताओ, आप मेरे को x निकाल के बताओ. सो दिस इज ऑल्सो पॉसिबल. दिस fx इज नथिंग बट u हमारे केस में, एंड द फंक्शन इन विच यू पुट दिस वैल्यू u टू फाइंड दिस x1 इज f इनवर्स u, बिकॉज दिस इज इक्वल्स टू u. तो अगर आप एक फंक्शन में पुट इन करोगे ये हो जाएगा. इज दिस क्लियर? देख लो. बना लो इसको. ठीक है, अब लेट्स डू द सेम थिंग बट नाउ फॉर अ डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन. डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए थोड़ा हल्का ज्यादा ट्रिकी होता है, क्योंकि कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन में तो आपको एफएक्स, कैपिटल एफएक्स दिया, आप खाली इक्वेट करके फटाफट निकालते हो. इसमें भी हम लोग सेम इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन मेथड ही यूज करते हैं. इसमें भी हम लोग इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन यूज करते हैं. डिस्क्रीट के केस में ना आपको थोड़ा कम मिलेगा कि ऐसा कुछ हम लोग कर रहे हैं. बट लेट्स सपोज इसमें भी सेम स्टेप्स होते हैं. पहला स्टेप जो है आपका, अगेन आपका पहला स्टेप होगा यू निकालना. बट द प्रॉब्लम इज इफ यू ऑल रिमेम्बर, यहां वो स्टेप होता था, यहां जो आपका फंक्शन होता था ना वो ऐसा होता था, स्टेप डायग्राम. करेक्ट, दिस इज योर एफ एक्स and this is your let's suppose one. So if you remember, इसका हम कुछ ऐसा करते थे, याद है? ये पूरा. So let's suppose ये आपका one है, ये आपका two है, ये आपका three है. अब मान लो आपको अगेन इसमें एक यू का वैल्यू गिवन है, विच वाज अगेन बिटवीन जीरो एंड वन. तो ये जो आपका यू का वैल्यू आ रहा है, इसको आप इसमें डालोगे, मतलब आप एफ इनवर्स यू करोगे और एक्स निकालोगे, तो ये अब आपका क्या आएगा? टू. लिखो तो बेसिकली ये जो यू होगा, दिस लाइज वेयर? दिस लाइज बिटवीन दिस and this value. This value is probability x less than equal to what? What? 0 या 1? 1. This is probability x less than equal to 2. तो लिख लो, this u lies between, लिखना, this u lies between f x j minus 1 and f x j, then our simulated value is what? Simulated value is what? X j or x j minus 1? xj. जैसे यहां पे इन आर केस यू लाइज बिटवीन एफ वन एंड एफ टू, यस. तो हमने x का क्या वैल्यू दिया? 2 दिया. तो वही होगा, इफ यू लाइज बिटवीन एक्स जे माइनस वन विच इज एफ वन एंड एफ एक्स जे विच इज 2, तो आपका आंसर क्या आ रहा है? 2 आ रहा है.
एक बार ये देख लो, यस एंड यस और नो क्लियर है कि नहीं. ऐसे लिखते हैं इसको, यू लाइज बिटवीन एफ एक्स जे माइनस वन, और इसको लिख लो एक्स जे. ये इक्वल टू दिया मैंने जानबूझ के, क्योंकि अगर तुम्हारा यू ये भी होगा तो भी आंसर टू रहेगा, बट अगर ये हो गया तो आंसर ऑब्वियसली वन आ जाएगा, इसीलिए यहां मैंने लेस देन इक्वल टू दिया है. क्लियर है? एक सम करते हैं, ये सबने बना लिया, देख लो क्लियर है कि नहीं. अगेन इसमें मैं स्टेप्स नहीं लिखा रही, बट वही है कि यू हैव टू जनरेट अ रैंडम नंबर यू, एंड देन यू हैव टू फाइंड द टू सीडीएफ्स जो आपका उस यू के नीचे है और ऊपर है. ठीक है, एक बार लिख लो खाली, क्योंकि थोड़ा ये चीज आना चाहिए. जेनरेट अ रैंडम नंबर यू फ्रॉम यूनिफॉर्म 0,1, एंड देन यू विल हैव टू फाइंड आउट एन इंटीजर, क्योंकि डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन में हमेशा यही होता है, सच दैट फाइंड एन इंटीजर जे सच दैट एफ एक्स जे माइनस वन एक्स जे, बेसिकली एफ एक्स जीरो इज इंटरप्रेटेड एज इट हैज टू बी जीरो. ये लिख लो, क्यों पता है? प्रोबेबिलिटी इज लेस देन इक्वल टू जीरो इज जीरो. ये नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा, जस्ट फॉर द सेक मैंने लिखा है. एंड सो योर आंसर ऑफ एक्स विल बी एक्स जे. बस ये आपके स्टेप्स हैं और क्या. इसका ना मैं आप लोग को दो सम्स करवाऊंगी क्विकली, एक थोड़ा इजी सम है. तो आपका क्वेश्चन है, आपका एक्स का वैल्यूज है 0, 1, 2 एंड 3. आपका प्रोबेबिलिटी, एफ एक्स मत लिख देना भूल से भी, स्मॉल एफ एक्स मत लिख देना गलत हो जाएगा, 0.1, 0.3, 0.2 एंड 0.1. ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है. क्वेश्चन लिखो, कैलक्यूलेट रैंडम नंबर्स फॉर u1 इक्वल्स 0.985 एंड u, रुको, u2 इक्वल्स 0.403, u3 इक्वल्स 0.7. इतना करो पहले. तो सबसे फर्स्ट थिंग दैट वील हैव टू टेक आउट इज व्हाट, यू हम लोग को गिवन है क्वेश्चन में, तो हम लोग को सेकेंड स्टेप करना है, मतलब हम लोग को क्या निकालना है, कैपिटल एफ. मतलब क्या कैपिटल एफ? मतलब सीडीएफ. तो पहले तो सीडीएफ निकाल लो. चलो क्या होगा, अगर हम बोल रहे हैं प्रोबेबिलिटी एक्स इक्वल्स टू 0 इज 0.4, तो प्रोबेबिलिटी एक्स लेस देन इक्वल टू 0 विल बी 0.4 ओनली, उसके नीचे कोई वैल्यू है ही नहीं. फिर यही होता है, तो मैं पहला वाला करके दिखा रही हूं आप लोगों को. पार्ट ए जहां आपका u1 0.985 है, तो ये जो 0.985 है ये किसके किसके बीच में आ रहा है? 0.9 एंड 1 के बीच में आ रहा है.
ऊपर के फॉर्म में लिखे तो कैन यू से यू वन इज बिटवीन एफ टू एंड एफ थ्री. सो देयरफॉर योर आंसर इज थ्री. यही तो दिक्कत है, यही होता था तो ऊपर वाला लेते थे ना. ठीक है, डिस्क्रीट थोड़ा ज्यादा कंफ्यूजिंग है व्हेन यू कंपेयर टू कंटिन्यूअस, बट अगेन इट्स वेरी इजी. अगर आप लोग वो प्रोसेस समझ जाओ इट्स वेरी इजी. तो आपका एक्स वन क्या हो गया, थ्री. सिमिलरली नेक्स्ट वाला करो, यू टू कितना है, जीरो पॉइंट ये है क्या, तो ये किसके किसके बीच में है, 0.403 है ना. 0.403 मतलब ये आपका 0 और 1 के बीच में. देयरफॉर योर एक्स टू इज 2, सॉरी 1. सी 0.7 है, तो 0 ये आपका है 0.7. 0.7 less than equal to 0.7 is less than greater than 0.4. It's greater than 0.4 and less than equal to 0.7. Continuous hona chahiye. Continuous hona chahiye. Matlab as in आजू बाजू कॉन्सिक्यूटिव, सॉरी नॉट कंटिन्यूस, कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स होने चाहिए. मतलब एफ जीरो ये है, तो देयरफॉर अगेन आंसर इज 1. 0.4 बोलू तो क्या होगा, 0 होगा. 0.003 बोलूं तो क्या होगा, तो 0.4 क्या होगा, 0.4 होगा आपका 0, क्योंकि ये किसके किसके बीच में है, ये लिखेंगे 0 और 0.4 के बीच में, ये किसके बीच में है, 0 और 0.4 के बीच में ये भी, तो 0 हो गया आंसर. और ये वाला किसके बीच में, U6. वेरी गुड, 0.7 एंड 0.9 के बीच में, तो X6 आपका देख लो. चलो पहले सो कर लो, फिर एक लास्ट सम. ठीक है, क्या हुआ, क्या आज है, क्या कितने बजे से, तो हम लोग का तो अटेंडेंस का कोई प्रॉब्लम नहीं है ना. CS1 का भी थोड़ा थोड़ा उसमें रहता होगा. अच्छा, इंटरेस्टिंग है. डन. अब नेक्स्ट वाला वन किसके लिए लिखा है वेदांशी, तुम लोगों ने, हाँ 2 होगा ना, 0.9 वाला, क्योंकि वो 0.7 और 0.9 के बीच में है. तो अगर आप डायग्राम बनाओ, मैंने जो बनाया है यहाँ पे, अगर ये वाला यू है तो हम लोग ये 0., ये हम लोग 2 लेंगे ना, ना कि 3, ये वाला. ठीक है, चलो अब एक क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन नंबर 2.
सिम्युलेट टू वैल्यूज, टू रैंडम नंबर्स, सिम्युलेट टू रैंडम नंबर्स या रैंडम वैल्यूज व्हाटएवर फ्रॉम पॉइजन टू डिस्ट्रीब्यूशन, पॉइजन टू डिस्ट्रीब्यूशन यूजिंग रैंडम नंबर 0.721 एंड 0.128 U1 एंड U2. एक बार हिंट ले लो इसको कैसे करना पड़ेगा. तो तुम लोगों के पास, तुम लोगों को ये पता है कि इसका वैल्यू क्या होता है, पता है ना? तो और पॉइजन टू, या तो तुम लोग टेबल बुक खोलो, टेबल बुक में टू में जाओ और उसमें कर सकते हो. या फिर एक बार सुन लो, एक बार सुन लो, F1, F0, F1, F2, F3 ऐसे निकाल लो, 5-6 वो निकाल लोगे, उसके बाद तुम लोग इसको कर सकते हो. तो बेसिकली एक बार टेबल बुक से मत यूज करना, मैं फिर से बताऊंगी, टेबल बुक बाद में यूज करना. e टू दी पावर माइनस लैमडा, लैमडा टू दी पावर एक्स डिवाइडेड बाय एक्स फैक्टोरियल, ठीक है. सो प्रोबेबिलिटी एक्स इक्वल टू जीरो क्या होगा, सॉल्व करके नंबर्स बताओ. एंड सिमिलरली फिर तुम लोग मेरे को एफ जीरो वेरी गुड, आई एम गेटिंग द वैल्यूज. तो एफ जीरो भी वही हो जाएगा. माइनस करके क्या आएगा, ये खाली चार डेसिमल ही लो. चलो छोड़ो, माइनस करके ही तो. अच्छा सॉरी, ऐड 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 ऐड, ये वाला सेम आ रहे क्या, ऑलमोस्ट? तो फिर से ऐड करो. ऑब्वियसली वन तक नहीं जा पाएंगे क्योंकि एक्स गोज फ्रॉम 0, 1, 2, 3 डॉट 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 इन्फिनिटी तक. ये चलते जाएगा, पर जैसे ही आप देखो ना कि आपको जो, एक बात सुन लो, अब एक बार सब लोग रुक जाओ और सुनो, बाद में करना, सुनो. आपको देखना जितने रैंडम वैल्यूज गिवन है, वंस यू, जैसे हम लोग क्या ट्राई कर रहे थे, हम लोग ये एफ जीरो निकाले, फिर हम लोग देखे कि आपका जो ये है वो इसके अंदर ही आ गया, बट ये सेकेंड वाला आया नहीं अभी तक, तो इसके लिए ये निकाला नहीं आया, ये निकाला नहीं आया, ये निकालती ग्रेटर देन इक्वल टू आ गया. तो अब इसके आगे का निकालने का हम लोग के क्वेश्चन में कोई सिग्निफिकेंस नहीं रहेगा, है ना? हम लोग के क्वेश्चन में इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं रहेगा, इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे स्टॉप हो जाएंगे. अब हम लोग को क्लियरली देख के पता चल रहा है कि हम लोग का जो यू वन है, यू वन किसके किसके बीच में, जीरो एंड एफ जीरो के बीच में, विच इज 0.1353.
तो आपका एक्स वन क्या हो गया, जीरो। क्लियर है? आपका यू टू इज बिटवीन दिस नंबर, इज बिटवीन योर एफ टू एंड एफ थ्री, तो आपका एक्स टू क्या हो गया। अब यही चीज टेबल बुक खोलो, पेज नंबर 175। देखो उसमें सीडीएफ दे रखा है क्या, वो जो ऊपर में डायग्राम है वो देखो, लेस देन वाला है एफ एक्स, तो लैम्डा टू में जाओ जहां लैम्डा टू है। लैम्डा जहां 12 लेफ्ट इस तरफ में आपके लैम्डा वैल्यूज है, यहां आपके सीडीएफ वैल्यूज है, और ऊपर में वो नंबर्स है एक्स के वैल्यूज है, प्रोबेबिलिटी एक्स लेस देन 1, 2, 3, तो ऊपर में आपके एक्स के वैल्यूज होते हैं और एकदम लेफ्ट साइड में आपका लेफ्ट साइड में देखो लैम्डा वैल्यूज, तो जहां लैम्डा टू है वहां जाओ। अब वहां हाँ क्या फर्क नहीं पड़ता, दीज आर यू टू का ये मतलब नहीं कि यू टू नीड्स टू बी ग्रेटर देन यू वन, नो, दीज आर, मैंने यू वन यू टू इसीलिए लिखा है, नंबर्स हैं, फर्स्ट यू सेकेंड यू, वो वन खाली आपका नंबर डिनोट करता है, दैट डज नॉट मीन दैट यू टू हैज टू बी ग्रेटर देन यू वन, नो, यू वन यू टू यू थ्री यू हंड्रेड यू फाइव थाउजेंड आर द रैंडम नंबर्स फ्रॉम यूनिफॉर्म 0, 1। आई एम नॉट सेइंग दैट योर यू थ्री इज हाइएस्ट, वो मैं कहीं नहीं बोल रही हूँ, U3 का मतलब एनी रैंडम नंबर, थर्ड रैंडम नंबर फ्रॉम यूनिफॉर्म 0, 1। ठीक है, क्लियर है लक्ष्य? इंटरवल में कैसे आएगा, मतलब कौन से इंटरवल में? तो ये तो आपने खाली U1 के लिए दे, आप अच्छा अगर आपको ये प्रॉब्लम है तो आप ये निकाल दो ना, इससे क्या फर्क पड़ रहा है, ये खाली मैं नंबर्स बोल रही हूँ। सपोज तुमने फर्स्ट रैंडम नंबर निकाला फ्रॉम यूनिफॉर्म 0, 1, तो वो आया तुम्हारा 0.721, फिर तुमने दोबारा से एक सेकेंड रैंडम नंबर निकाला, वो आया तुम्हारा, तो वो यहाँ पे U2 का वो मीनिंग है। सपोज तुमने U3 निकाला, वो आया 0.11। सपोज तुमने एक और रैंडम नंबर निकाला, वो आया तुम्हारा 0.90। नो वेयर आई एम सेइंग दैट इट हैज टू बी ग्रेटर और लेस, एक बॉल ऑफ एक बैग ऑफ नंबर्स है, उसमें से आप खाली एक नंबर निकाल रहे हो रैंडमली, या क्योंकि कंटेनर्स है तो इट्स इनफाइनाइट, यू कैन गेट एनी नंबर एनी टाइम, डज नॉट हैव टू बी ग्रेटर देन। तो आपके इस इंटरवल में यू टू थोड़ी आएगा, और ना ही आपको चाहिए, आप तो इंडिविजुअली हर एक रैंडम नंबर यू निकाल रहे हो, उसका एक्स निकाल रहे हो, फिर यू मैंने स्टेप क्या निकाला, पहले एक रैंडमली यू निकालो एंड उसी यू का एक्स निकालो, फिर एक यू निकालो उसका एक्स, फिर एक यू निकालो उसका एक्स, तो आपको 10 यू दिए हुए हैं, तो 10 एक्स निकलेंगे। हाउ इज इसके अंदर आपका यू टू आए कि नहीं आए, गेटिंग द पॉइंट? बोलो, ऊपर भी तो हमने वैसे ही लिखा है, कहीं पे भी इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर थोड़ी लिया मैंने। U1 और U2 में देखो, U2 छोटा है, फर्क नहीं पड़ता, आप रैंडमली नंबर्स एक्सट्रैक्ट करो। सो इफ आई क्विकली शो यू ऑल, चलो वहां एक बार टेबल बुक का बात कर रहे थे, टेबल बुक में जाओ, टेबल बुक में भी आपको ऐसे सब प्रोबेबिलिटीज गिवन है, तो आप देखोगे कि आपका U 0, 1, 2, 8 किसके बीच में आ रहा है, तो जो हायर नंबर होगा ऊपर में वो आपका आंसर हो जाएगा, जैसे यहाँ पे 0 है, फिर यहाँ पे 3 है, देख लो एक बार, मैच हो रहा है। अब अगर आर प्रोग्रामिंग में देखना, आप लोगों आप लोग करोगे एक फंक्शन करोगे, आप लोग आर यूनिफ फंक्शन रैंडमली गिव्स यू नंबर्स फ्रॉम यूनिफॉर्म 0, 1, और इट कैन बी फ्रॉम एनी यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, गॉट इट? वैसे ही एक्सेल में एक फंक्शन होता है रैंड फंक्शन, RAND, वहां उससे आप नंबर्स एक्सट्रैक्ट कर सकते हो रैंडमली, 10 नंबर एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, 15 नंबर एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, वॉट एवर। क्लियर लक्ष्य? वो आपका ये यू है जो आपका रैंडमली 0, 1 के बीच में एक्सट्रैक्ट हो रहा है, फिर उसको यूज करके आप ये प्रोबेबिलिटीज
निकाल रहे हो, मतलब x के वैल्यूज निकाल रहे हो। एक और देती हूं, बट इसके लिए अब आप लोग टेबल बुक यूज करोगे। लास्ट क्वेश्चन, थ्री रैंडम नंबर्स जेनरेट थ्री रैंडम नंबर्स फ्रॉम 4.06 डिस्ट्रीब्यूशन बाइनोमियल, जहां पे आपका u1 है 0.588, टेबल बुक खोलो, टेबल बुक में देखो CDF गिवन है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का, पेज नंबर 186। एक बार शेयर करो ना, एक मेरे को देना, पेज नंबर 186 ऑफ टेबल बुक। अब उसमें देखो n क्या लिया है हमने, 4, तो n जहां 4 है, n हमारे केस में तो लेफ्ट साइड पे n के वैल्यूज गिवन है, प्रोबेबिलिटी ऊपर में p के वैल्यूज गिवन है 0.6, देख रहे हो, और ये 0, 1, 2, 3, 4 के लिए प्रोबेबिलिटी x लेस देन इक्वल टू 0, 1, 2, 3, 4 तक, चार ही है, तीन ही है खाली, मिला वो चार वैल्यू 0.0256, 0.1792, 0.5248, वो वाला चार वैल्यूज मिला। अब पहला नंबर है 0.588, तो ये किसके बीच में है, किसके बीच में, 2 और 3 के बीच में है, तो आपका x1 क्या हो जाएगा, सॉरी 3, दूसरा u2 किसके बीच में, 0.222, सही बोल रही है वो 1 और 2 के बीच में, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, मतलब बेसिकली इट इज बिटवीन 0.1792 एंड 0.5248। अगेन जो आप लोग ऊपर किए पॉइजन के लिए अलग अलग निकाले, निकाल सकते थे आप लोग, F1 निकालते, F2 निकालते, F3 निकालते, F4 निकालते, और फिर देखते कि ये जो सबसे बड़ा नंबर है इसमें यहां तक आपको निकालना है, इससे बस थोड़ा ऊपर तक निकालना है, फिर आपको रुक जाना है, उसके आगे निकालने का जरूरत नहीं है, ठीक है। और U3 के लिए क्या देख रहे हैं, किसके बीच में है, 0.906, अच्छा 3 से बड़ा है, तो हम लोग को गिवन नहीं है, तो हम लोग को F4 एक बार निकालना पड़ेगा। F4 अगर कोई निकाल के मुझे बता पाए क्विकली, कुछ नहीं करना, क्या करना है मैं बता रही हूं, सुनो, F4 इज वॉट, F3 प्लस, बिकॉज इट इज वॉट, प्रोबेबिलिटी एक्स लेस देन इक्वल टू 3 प्लस प्रोबेबिलिटी एक्स इक्वल्स टू 4, और ये आपको टेबल बुक में क्या दे रखा है, 0.8704 प्लस दिस नंबर यू कैन टेक आउट यूजिंग बाइनोमियल, बाइनोमियल का क्या होता है NCX, और ये सब कुछ भी नहीं करें, दिस इज बाइनोमियल 4.06, हाउ मेनी वैल्यूज ऑफ x पॉसिबल, 0, 1, 2, 3 एंड 4, दैट्स इट, इट नॉट गोज अप टिल इन्फिनिटी, इट डज नॉट गो अप टिल इन्फिनिटी, तो ये एनीवेज 1 होगा क्योंकि 4 ही लास्ट होगा बाइनोमियल में, तो u3 इज बिटवीन 0.F3 एंड F4, सो योर X3 इज 4, ये वाला लास्ट वाला चीज क्लियर है कि नहीं, F4 इज द फाइनल प्रोबेबिलिटी इज लेस देन इक्वल टू 4, विच इज वॉट ऑल द वैल्यूज, विच इज 1, क्योंकि आपके टोटल में 4 तक पॉसिबल है, उसके आगे कुछ है ही नहीं, 0 है, तो प्रोबेबिलिटी एक्स लेस देन इक्वल टू 4 क्या होगा, 1 ही होगा, इसीलिए इन लोगों ने भी नहीं दिया है। देखो अगर आप लोग देखो 4 के लिए 0, 1, 2, 3 तक दिया टेबल बुक में, 4 का क्यों देंगे,
वो तो वन ही है, इसीलिए सिक्स के लिए भी वेन एन इज सिक्स तो एक्स का वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4, 5 तक दिया हुआ है, क्योंकि 6 तो आपका 1 ही होगा प्रोबेबिलिटी से। एक बार ये क्लियर है कि नहीं, थम्स अप दे दो मेरे को। सब लोगों का थम्स अप आ जाए प्लीज। दैट्स इट, वी फिनिश प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस। नेक्स्ट क्लास वील बी स्टार्टिंग विद जनरेटिंग फंक्शंस विद प्रवीण सर। आप लोग प्लीज ये पूरा असाइनमेंट बना लेना सारा, जो भी बच रहा था प्रोबेबिलिटी वाला, फिर आपका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन वाला। अगर डाउट्स आए तो मैं एक क्लास रख लूंगी एंड आई विल टेक ऑल योर डाउट्स। डाउट्स है थोड़ा बहुत है ना, आई विल कीप वन क्लास। हंस क्यों रहे तुम उमंग, हंस क्यों रहे, हंसने वाले ही मुझे क्यों भेजा? हाँ जिन, एक सेकेंड, जिनका डाउट्स है आई विल टेक अप द डाउट्स, आई विल टेक अप वन डाउट्स क्लास, लेट्स कीप इट।